अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मक्तूल मुजम्मिल की अंटी बोल रही हूँ। मेरी आप तमाम अवाम से इल्तिजा है कि कल वेडनेसडे 29 तारीख को हम एक कैंडल मार्च रखे हैं, जो कि मुजम्मिल के जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए रखा गया है। तो मैं सभी से इल्तिजा करती हूँ कि इस कैंडल मार्च को महबूब नगर से ज्वाइन करें और ये टीपू चौक तक रहेगा। इसका टाइमिंग 7 बजे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। और एक बात, उसके नेक्स्ट डे ही 30 तारीख को जुमेरात के दिन और एक हम प्रोटेस्ट रखे स्वयं बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, जो कि तिम्मापुरी चौक से शुरू होगा और डीसी ऑफिस तक पहुंचेगा। तो वहां पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जेंट्स शिरकत करके बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। आज 22 से 23 दिन गुजर गए लेकिन बच्चे के जो खातिल उनका कुछ पता नहीं चला अब तक। हम बहुत बेसुकून हैं, हम सुकून चाहते हैं। हमारे बच्चे के साथ जो ऐसा बेरहमी का मामला किया, वो लोग हमारे सामने आए, हमारे को जब सुकून मिलेगा उसको भी उसी तरह की तकलीफ पहुँचना चाहिए। सभी से इल्तिजा है मेरी कि जिस तरह से उसके साथ वैसा हुआ ना, हमारी मदद करें और उसको, उसके खातिल को हमारे सामने लाएं। पुलिस से, जो भी VIP पर्सनैलिटीज़ हैं, हाई पोस्ट के हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके हमको सपोर्ट करें। ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडर्स हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो और दूसरों के भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। वो लोग अपना सपोर्ट हमको दें और हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। और एक बार मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि 30 तारीख के दिन जुमेरात को सभी जो है ना तिम्मापुरी सर्कल 11:30 बजे वहाँ पर आएँ और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएँ, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाएँ। तिम्मापुरी से DC ऑफिस तक हमको जाना है, प्रोटेस्ट करना है और हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाना है। सभी से इल्तिजा है, आज हमारा बच्चा है तो इसको अपना बच्चा समझिए, हमारे दर्द को समझिए और हमारा साथ दीजिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इसके माँ बाप को भी इंसाफ की ज़रूरत है, उनके बच्चे के साथ इतनी बेरहमी का मामला किया गया है। तो उस मासूम बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी, ऐसे वहशी दरिंदे कौन है, उनका सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माज मुजम्मिल अहमद का जो है ना वालिद बोल रहा हूँ। 6 तारीख को बच्चा जो है मिस हो गया था, 7 तारीख को मिल गया और जो है बच्चे की हालत बहुत ये से मिल गया था। इस वजह से जो है ना हम 29 तारीख को कैंडल मार्च रखे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तशरीफ़ ला के हमको जो है ना इंसाफ देने के साथ रहिए। बस 7 बजे से मगरिब के बाद 7 बजे से रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजम्मिल की दादी बोल रही हूँ। मेरे पोते का इंसाफ तक नहीं दिलाए, अब इंसाफ होना मेरे को। इतने दिन हुए होकर खातिल को पता नहीं चला, आप इंसाफ दिलाइए बच्चों को। आप लोगों को सुबह आना है, हमको इंसाफ दिलाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले 6 तारीख को, आज से 22 दिन पहले, जो एक 2 साल मासूम मुजम्मिल नामी बच्चे का बेदर्दाना कत्ल किया गया था, जो मेरे भाई निसार अहमद के फर्जंद थे, हम उस कत्ल को कंडम करते हैं तमाम शहर गुलबर्गा के सिटीज़न की जानिब से। इसी सिलसिले में हम उस कत्ल का कंडम करते हुए कल शाम ठीक 7 बजे यहाँ रिंग रोड महाराजा होटल महबूब नगर क्रॉस से टीपू सुल्तान चौक तक एक कैंडल मार्च रखा गया है, जो सिटीजन साहब गुलबर्गा के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से है। और आने वाली 30 दिसंबर बरोज जुमेरात सुबह 11:30 बजे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक से, जिस तरह 22 दिन होने हो गए हैं, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है पुलिस डिपार्टमेंट को, कोई कातिल का कोई सुराग नहीं, कोई कातिल अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। तमाम शहर गुलबर्गा के जितने लोग ये केस को जानते हैं, आज तक अफसोस में हैं कि कोई कातिल अब तक मिला क्यों नहीं। इसी सिलसिले में हम इन्वेस्टिगेशन में भरपूर इजाफा होने के लिए एक सिटीजन ऑफ गुलबर्गा के जानिब से तिम्मापुरी सर्कल से DC ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट रैली रखा गया है, जिसमें कई एक पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविस्ट और तमाम इस मोहल्ले के जिम्मेदार लोग भी शामिल होंगे। मैं शहर के तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि उस प्रोटेस्ट रैली में भी आए और कल बरोज चारशुंबा शाम ठीक 7 बजे कैंडल मार्च में भी आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलबर्गा सिटीज़न के जानिब से जो मुजम्मिल नाम का बच्चे का जो मर्डर हो गया है, उसी को देखते हुए कल 7 बजे एक कैंडल मार्च रखा गया है टीपू चौक पे। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस कैंडल मार्च में आइए और 30 तारीख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुलबर्गा सिटीज़न के जानिब से
मुजम्मिल नाम के बच्चे का जो मर्डर हुआ है उसी को देखते हुए कल 7 बजे एक कैंडल मार्च रखा गया है। महबूब नगर से टीपू चौक तक चलेगा, तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि उस कैंडल मार्च में आइए। और उसी को देखते हुए 30 तारीख सुबह 11:30 बजे तिम्मापुरी से डीसी ऑफिस पे एक एहतजाज रखा गया है गुलबर्गा सिटीज़न के जानिब से। तो तमाम लोगों से गुजारिश है वहाँ पर आके अपना गुस्सा इजहार करें। उसमें सियासत लोग भी हैं, नॉन पॉलिटिकल भी लोग हैं और गुलबर्गा यूथ पूरा वो बच्चे के साथ है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है 11:30 बजे तिम्मापुरी से डीसी ऑफिस पे एक एहतजाज रखा गया है और कल 7 बजे कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है उस कैंडल मार्च में आके अपना गुस्सा इजहार करें।